लेके चल रहा हूँ। शुरुआत भगवान शंकर से करूंगा, लेकिन चूंकि जवाबी चल रही है तो जवाबी को मैं फांस के भी चलूंगा। बिल्कुल कतई न छोड़ो। ओ, इतना तो याद है मुझे संध्या मौसी और कृष्णा की मम्मी, ये 50-50 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है। आशीर्वाद की कामना चाहेंगे तो मेरे एक लाइन को सुनिएगा। सुरेंद्र भाई साहब बैठो, जाओ नहीं कहीं। आदि शक्ति के हथौड़ी पर जो पहला फोकोला फोड़ा गया, ब्रह्मा जी पैदा हुए, ब्रह्मा जी इनकार कर दिया कि हम आपसे शादी नहीं करेंगे, ब्रह्मा जी को भस्म कर दिया। दूसरा फोकोला फोड़ा, विष्णु पैदा हुए, विष्णु से भी यही बात रखी हमसे विवाह कर लो, विष्णु ने भी मना कर दिया तो विष्णु को भी भस्म कर दिया। और तीसरा फोकोला फोड़ा गया, भगवान शंकर से कहा ये तुम्हारे दोनों भाई बड़े हैं, तुम्हारा भी यही हाल होगा, उससे विवाह कर लो। भगवान शंकर ने कहा मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। बिल्कुल, जब इतनी बात कही, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले मेरे दोनों भाई जीवित होने चाहिए, दोनों भाई जीवित होने चाहिए। तो माने दोनों भाई जीवित कर दिए, फिर क्या हुआ? जवाब होगा तो सर सुन। पहले ब्रह्मा को जिलाया, तो ब्रह्मा जी ने जब भस्म कर दिया ब्रह्मा जी को, तो आदि शक्ति ने क्या किया? पहले ब्रह्मा को जिलाया, फिर विष्णु को जिलाया, तीजा नेत्र से उगाया खुशी मन में। भगवान कहते हैं एक शर्त और है, मुझे तीसरा नेत्र आपके चाहिए, जैसे आपने भस्म किया है लोगों को।
तीसरा नेत्र दे दिया मारे खुशी मन में। पहले ब्रह्मा को जलाया फिर विष्णु को जलाया खीजा नेत्र से उगाया खुशी मन में। फिर माने क्या किया कि तीन रूपों को बनाया भगवान शंकर ने ठेंगा दिखा दिया बोले मेरे पास तीसरा नेत्र आ गया भस्म भी नहीं कर पाओगी। तो माने क्या किया कि तीन रूप अपने बनाए तीनों देवताओं के लिए। क्या बात तीन रूपों को बनाया एक एक विधि हरि कहाया तीजा शिव में समाया खुशी मन। कि भाई तो भाई ही रहा भगवान शंकर मेरे भाई है अरे भाई तो भाई ही रहा हरे भाई तो भाई ही रहा पर भाई की पत्नी मात हुई। क्या बात है भाई तो भाई ही रहा भाई तो भोजन कराए मां। अनसुईया ने क्या किया तीनों को अपने शिशु बना दिया मतलब शिशु बना दिया। तो मेरा गीत कह रहा है कि अत्रि मुनि की कहानी की कहानी पिता ब्रह्मा जी ज्ञानी
की पत्नी अनसुईया रानी सभी जान क्या हुआ सती ने साथ दिखाया सुते ससुर को बनाया इस घर पाने कराया सभी बिल्कुल पहले से कम थे हमारे दीपू जहरीला जी आ चुके हैं। ये अपने आप में आगे टाइटल लिखते हैं दीपू जहरीला और क्या सिप्रा आजाद अच्छी कीर्तनकार है वो भी आ चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद है स्वागत है मंच पर बहुत बहुत धन्यवाद। आए सोते तो सोते भगवान शंकर ने वरदान दे दिया कि जाओ तुम्हें द्वापर मिलेंगे भगवान कृष्ण के पुत्र बनेंगे। जब इतना वरदान दे दिया तो हुआ क्या पर कामदेव पाया पति तो पति ही रहा पर
मात हुई। वाह बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात जी। पति तो पति ही रहा, संविधानदाताओं को निराला की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। 51 पत्र मुद्राएं, ये माला और साथ में माल, माला के साथ में माल। हमारी बहन सिप्रा आजाद महानगर कानपुर से पधारी है, आपकी ओर से ये 51 पत्र मुद्राएं और माला है। निराला ये कामना करता है माता महामाई से, भैया बिंदुनी राज चौगनी आपको तरक्की दे, कभी पीछे मुड़ के ना देखे। बस यही कामना चाहता हूँ माता महामाई से। आप और लो पैसा, और ये 51 पत्र मुद्राएं, 51 पत्र मुद्राएं। भाई दीपू जहरिया जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, अपने ग्राम सिमरिया के बहुत अच्छे नालवादक है दीपू जहरीला जी। मुनेश सिरसा नालवादक सिरसा से पधारे हैं जरा झांसी से, आप आपके लिए प्रदान हुआ है। लो बेटा ढोलक की गोलक में रखना बेटा। हाँ ये बात, आइडेंटिटी कार्ड लेके चलते हैं दीपू भाई। हाँ देखिए हमारे बांके भैया ने छिटा कसी थोड़ी सी कर दी है, सुनेगा। हाँ राग तोड़ी लेकर के आए हैं, सुनेगा। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास। इतना तो याद है मुझे, पैसा पहुंच हो रहा छाने क्या हुआ जब उनसे मुलाकात।
कि भाई तो भाई की रहा, भाई की पत्नी मात हुई। मैंने तीन फफोले फोड़े, पहले जो जन्म पाया ब्रह्मा विष्णुओं को समाप्त कर दिया, बाद में भोलेनाथ आए तो भोलेनाथ ने कहा कि हमारे दोनों भाइयों को पुनः प्रकट कीजिए, इनको पुनः जीवित कीजिए, तो मैं आपसे विवाह करूंगा और उसमें शर्त रहेगी आपको रूप परिवर्तन करना होगा। लेकिन लेकिन बाकी भैया एक कथा पढ़ने को मिलती है कि वहीं पे जो ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े हो गए बगल में, वहीं पे माता महामाया ने दोनों बेटियों को भी वही दोनों देवियों को ब्रह्मा विष्णु के साथ और महेश के साथ माता महामाया रूप परिवर्तन करके आई और दोनों देवियां भी वही। तो ये बाद में कहा और अपने जो सिस्टम आपने दिखाया वो सिस्टम सत्य है आपका, आपके तरीके से सत्य है कि भाई की पत्नी मात हुई। चलिए सिस्टम हम भी दिखा देते हैं आपको, सुनिए। रूप ग्राह का बनाया, एक बच्चे का बनाया, बच्चा मुख में फसाया, लीला हो रही। एक बार शंकर भगवान ने अभी हमने आपको जो कथा सुनाई वही उससे मैंने जवाब निकाला है। शंकर भगवान ने ग्राह का रूप बनाया, बच्चे का रूप बनाया और जब बच्चे को मुख में फंसाया तो माता भवानी ने जाके वो बालक को बचाया, लेकिन वो शिव थे शंकर भगवान बालक के रूप में। तो माता ने वही स्तन पान कराया, जब स्तन पान कराया तो कौन हो गई, सुनिएगा जवाब। रूप ग्राह का बनाया, एक बच्चे का बनाया, बालक मुख में फंसाया, लीला हो रही। और जब बच्चा चिल्लाया उनके, जब बालक मगर के मुख में है फंसाया रोने लगा, तो माता उमा ध्यान से जागी और उस बालक को बचाया और उसको स्तन पान कराया। तो सुनिए, बच्चा चिल्लाया, उमा ने दूध पिलाया, उसे चुपके सुलाया, लीला हो। बालक को स्तन पान करा के उसका रोना धोना बंद किया। तो अब शिवजी सोच रहे हैं, शिवजी सोच रहे हैं, शिवजी ये सोच रहे हैं, शिवजी ये सोच रहे हैं, शिवजी ये सोच रहे, ये घटना अकस्मात हुई कि पति तो पति ही रहा है, पति तो मैं पति हूँ और बालक के रूप में देखो मां के बुद्धि में आ गया, ये अकस्मात घटना हुई। पति तो पति ही रहा, पति की पत्नी मात हुई। सुने ना,
भगवान की पुत्री है, सुनिएगा। जब जिस समय लक्ष्मण दूल्हा बन के आए, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन सहन केरी लड़काई, एक साथ में भोजन सहन, एक साथ में शिक्षा ग्रहण, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की, और एक ही साथ में विवाह। क्या बात है, सुनेगा। जब विवाह के लिए पहुंचे, अब लक्ष्मण जी मन में सोच रहे हैं, समझो बेटा मुनीस। सुने ना गुस्से से चाया अपनी बेटी, बताया राजा जनक को कहाया सभी जानते। क्या बात है, और सही है, सभी जानते हैं। और ये सुने ना शेषनाग की पुत्री है, सुने। क्या बात है, और प्राण पूरा पाया क्या है था जो रचाया, दुल्हन दुल्हन चारों को बनाया सभी जानते। अब लक्ष्मण जी सोच रहे हैं, क्या तो लक्ष्मण जी सोच रहे, लक्ष्मण जी सोच रहे, ये कैसी करामात हुई, कैसी करामात हुई, पाप दमाद। क्या बात है, क्या बात है, भवानी बैठी थी और देखा कि राम लक्ष्मण सीता को खोजते हुए जंगलों में घूम रहे हैं। तो प्रणाम किया भोलेनाथ ने, तो उमा कहने लगे, आप क्यों प्रणाम कर रहे हो, और ये हमारे आराध हैं, ये हमारे हरि हैं। तो माता भवानी से देखा नहीं गया, बोले मैं जाती हूँ, मैं प्रैक्टिकल करके आती हूँ ये हरि है या नहीं। तो जैसे माता गई, सीता का रूप बनाया माता भवानी ने, भोलेनाथ की पुत्री ने सीता का रूप बनाया और राम के समीप पहुंच गई। तो राम जी ने प्रणाम किया, बोले माता आप कहाँ, आप तो और भोलेनाथ कहाँ है, पहचान लिया। तो माता भवानी विस्मय में पड़ गई और पहुंच गई भोलेनाथ के पास। तो भोलेनाथ ने मना कर दिया, भोलेनाथ ने कह दिया, अब आपने मेरी माँ का रूप बनाया है, तो मैं ये देह स्वीकार नहीं है, आपने मेरी माँ का रूप बना लिया है, मैं उनको माँ मानता हूँ, सीता का रूप आपने बनाया, तो अब मैं आपको स्वीकार नहीं करूंगा। जी रूपशिया का बनाया परीक्षा लेके आई हो, बोले ना प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। जी बोले कछु ना परीक्षा ली नी बसाई, करिए प्रणाम तुम्हारे नाही। भोलेनाथ ने मना कर दिया कि सती यह तन सती भेंट मैं नाही। क्या बात है,
मना कर दिया भोलेनाथ ने, तो सुनेगा रुपिया का बनाया भेद से छुपाया राम जी तो दिखाया ग्रंथ कह रहे और ये है राम ग्रंथ कह रहे तो ये राम है ये राम जाने पाया सती को सर है झुकाया संग शुभ न पाया ग्रंथ कह रहे ये राम छाने भाया सती को सर झुकाया संग शुभ न पाया ग्रंथ कह रहे जब भोलेनाथ को साथ में नहीं पाया तो जी राम जी ने मना कर लिया कि प्रभु हे भोलेनाथ आपकी लीला आप जानो प्रभु बस क्योंकि आप इनके साथ में नहीं है लेकिन हम अपनी पहचान से भटक नहीं सकते हैं। और उधर जब सती जी पहुंची तो भोलेनाथ ने मना कर दिया यह तन सती भेंट मोहनाई इसलिए पत्नी तो पत्नी ही रही सती पत्नी तो पत्नी ही रही लेकिन अब पत्नी अब मेरी मात हुई पत्नी तो पत्नी ही रही Yeah.
चलिए हमारे सोनी जी ने तालियां बजा दी, माता बहनों ने तालियां बजा दी, बस ये इससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं है। कलाकार जब भी चाहता है, कलाकार के लिए दो चीजें बहुत ताने का काम करते हैं, जैसे कि तालियां, हाँ ये व्यसरंज है तालियां, और पुरस्कार ये हैंडसम लेवल। चलिए रुक जाओ, तड़ा है। चलिए जवाब रहे,